हेलो गाइज एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइज आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हॉक्सटन नोबल रिजर्व। तो ये एक इंडियन विस्की है एंड दिस इज़ ओन्ड बाय मोदी इल्वा ग्रुप। नाउ बिफोर वी गो हैड एंड टॉक मोर अबाउट दिस विस्की, लेट मी गो हैड एंड अनबॉक्स द विस्की एंड पोर अ बिट ऑफ विस्की इन द ग्लासेस सो दैट विस्की थोड़ी खुल जाए। Then we can probably go ahead and discuss more about this whiskey. तो guys अगर आप ये देख सकते हैं this is Hoxton Noble Reserve for you. बहुत ही premium quality का box है and अगर आप इसका logo देखें तो there is hawk as a logo of this whiskey. बहुत छोटे छोटे hawks भी बने हुए हैं throughout the box. A very premium quality box I would say for this whiskey. और अगर मैं आपको इसके बॉटल की बात करूं तो बॉटल भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर बॉटल्स इन दिस सेगमेंट। बिकॉज अगर आप देखें दिस इज़ हॉक्सटन नोबल रिजर्व फॉर यू और अगर आप लोग देखें तो इस पे भी लोगो जो है वो एम्बेडेड है प्लस पूरा नाम लिखा हुआ है विस्की का ऑन द बॉटल इटसेल्फ। साइड में भी नाम लिखा हुआ है। सो अ वेरी गुड क्वालिटी बॉटल। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ इसकी सील की तो एक टैम्पर प्रूफ सील है। आप देख सकते हैं ये सील है इसकी टैम्पर प्रूफ। अगर ये निकल गई तो इट कैन नॉट बी टैम्पर्ड। वेरी वेरी गुड सील आई वुड से। सो लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट। लेट्स पोर इट अ बिट। सो गाइज दैट्स हॉक्सटन नोबल रिजर्व फॉर यू। अब हम बात कर रहे थे अबाउट मोदी इल्वा ग्रुप। सो मोदी इल्वा ग्रुप इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन उमेश मोदी ग्रुप एंड इल्वा सारोनो ग्रुप। नाउ उमेश मोदी ग्रुप इज इन टू मैनी थिंग्स। इट इज़ बेस्ड आउट इन मोदी नगर इन इंडिया एंड इट इज़ इन टू मैनी थिंग्स फ्रॉम फ्रेश आइसक्रीम्स टू स्टेशनरी टू फार्मास्यूटिकल्स and many other things. And if I talk about Ilva Sarono Group, it is a famous liqueur manufacturer group from Italy and it produces a very good liqueur which is called Di Sarono, which is a almond based liqueur, a very nice liqueur indeed. I have tasted it. Unfortunately, I don't have that bottle available with me anymore, but in case I can source it anytime in future, I'll definitely review it for you guys. Secondly, agar main baat karun Modi Ilva group ki to their other products are Arctic vodka, uske kuch variants bhi hain, flavored variants, and a very famous whiskey that everyone I'm sure a whiskey drinker would know, which is Rockford. तो रॉकफर्ड इससे ऊपर का वेरिएंट है। ऑफ कोर्स दैट इज़ आल्सो वेरी गुड विस्की। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं वो भी रिव्यू करूँगा। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट द कंपनी दैट ओन्स दिस विस्की। एंड अगर मैं इस विस्की की बात करूँ एज द विस्की इट इज़, तो इट इज़ डबल फिल्टर्ड एंड डबल डिस्टिल्ड विच इज़ अ प्लस पॉइंट। अ वेरी गुड प्लस पॉइंट अबाउट दिस विस्की इज दैट देर आर नो मोलासेस बेस्ड स्पिरिट्स एडेड इन टू इट। देर आर ओनली मॉल्ट विस्कीज एज वेल एज न्यूट्रल ग्रेन विस्कीज दैट आर एडेड इन टू इट। नाउ देर इज नेगेटिव पॉइंट और अ डाउन साइड फॉर दिस विस्की एंड दैट इज दैट it has added flavorings in it, so that is in my opinion a downside. However, let's go ahead and review it and let's see ki what this whiskey has to offer. Chaliye, let's get on to the tasting. Agar main color ki baat karun guys to ek golden color ka whiskey hai ye. Let's get on to the nose. नोज पे इट हैज़ वेरी सॉफ्ट अरोमाज, अरोमाज ऑफ फ्रूट्स, अ बिट ऑफ ओकिनेस, अ बिट ऑफ
vanilla in it. So yes, in that is about the nose. Let's get on to the taste now. Up front, it has a bit of sweetness, but later on as it goes down, it has a bit of astringency in it. Halka sa kadwa pan hai isme, which is something that I'm not pleased with, honestly. Apart from that, flavors ki main baat karu to ek fruitiness hai, oakiness hai on the palate as well. Vanilla notes hai isme. Let's get on to the second taste. Let's see what this whiskey has to offer. वो astringency है which I'm not pretty much pleased with in any whiskies. तो yes, हल्की सी है, but yes there is. Moreover, अगर मैं बात करूँ flavors की, तो वही flavors थे जो मुझे पहले taste में आए थे. तो pretty much वही flavors हैं सारे के सारे. Let's go ahead, add a bit of water. Let's add a dash of water to it and let's see what this whiskey has to offer after a dash of water. Surprisingly, हल्की सी maltiness आ गई है, but जो flavors खुल के आ रहे थे उसमें वो सारे subside हो गए हैं और amalgamate से हो गए हैं, सारे एक साथ जुड़ गए हैं. तो वो oakiness और fruitiness जो है एक साथ आ रही है. अगर मैं बात करूँ before going on with after adding a bit of water in the whiskey, I would like to talk about the finish. तो flavors जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहे हैं. It was a short finish, but on the higher side of short, almost medium finish. So that was about the finish, I would say. And whiskey ki agar main baat karu mouth feel ki, to again it was almost light to medium bodied, not completely medium bodied whiskey. Chali, let's get on to the whiskey after adding a bit of water into it. Main aapko already bata chuka hu iska nose kaisa tha. To let's get on to the taste. I can get the oakiness and fruitiness and vanilla notes on the palate. वो maltiness जो है वो palate में नहीं आ रही है, but yes, on the nose it was there. Let's get on to the second taste. I would say वो astringency अभी भी है whiskey में. Apart from that, the flavors are the same. So अगर मैं इस whiskey के aficionados report card की बात करूँ, तो on the price point I would give it a 8, but on the taste I would give it a 7.5. So इस whiskey का aficionados number होता है 7.75. That's pretty much it about this whiskey. Please comments में बताइए कि आपको ये whiskey कैसी लगी, अगर आपने taste की है तो. और अगर नहीं की तो प्लीज़ टेस्ट कीजिए और बताइए कि इसकी कैसी लगी आप लोगों को. एंड प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स कि अगला आप मुझे क्या रिव्यू करवाना चाहते हैं. आई हैव गॉट मैनी रिकमेंडेशंस एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज. आई एम वर्किंग ऑन इट, बट ऑफकोर्स ऑल गुड थिंग्स टेक सम टाइम. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. And as we say in aficionados den, stay classy. And cheers.